दे रखा है क्वेश्चन में वो साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा एंड साइन अल्फा, और क्या शो करना है हमें, वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। मैं समझता हूँ इजली कर सकते हैं, पहले तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ये ट्रांसपोज क्या होता है भाई, ट्रांसपोज पहली रो को आपने पहला कॉलम बना दिया साइन अल्फा कॉज अल्फा, दूसरी रो को आपने दूसरा कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज कल बताया था हमने, कल की वीडियो में देखा होगा आपने, पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज कन्वर्टेड टू सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा, और ए जो है आपका ये हो गया साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा एंड साइन अल्फा, मल्टीप्लिकेशन आती होगी सबको, कई क्वेश्चन में करवा चुका हूं मैं, 3 दिन से मल्टीप्लिकेशन 4 दिन से चली रही है, पहली रो को पहले कॉलम से साइन अल्फा की साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी इससे माइनस माइनस प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा की कॉस अल्फा से माइनस कॉज अल्फा की साइन अल्फा से, अगेन दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कॉज अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉज अल्फा, एंड दिस इज अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से कॉज अल्फा की कॉज अल्फा से कॉज स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा की साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, कई से चल रहा है प्रोडक्ट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा 1, ये देखो आपस में कैंसिल होगा 0, ये आपस में कैंसिल होगा 0 एंड दिस इज 1 आ गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ए डैश इंटू ए आई के बराबर होता है। चलो अब जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3 2 5 4 1 3 067 एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें इसको किसमें एक्सप्रेस करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, तो अब हमने क्या बताया था, कल भी बताया था ऐसा क्वेश्चन है कि लेट कर लो इसको ए 3 4 0 2 1 6 5 3 7 और ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, वही पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे
फर्स्ट रो 3 to 5, इसको आपने पहला कॉलम बना लिया। सेकंड रो 4 1 3, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। थर्ड रो 0 6 7, ये आपका थर्ड कॉलम आ गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला कल हमने क्या लिखवाया था, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए में ए ट्रांसपोज ऐड करके उसका आधा कर दोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। कर लीजिए भाई, दोनों को ऐड कर सकते हो, इसको एक और ए ट्रांसपोज को 3 और 3 6, 2 और 4 6, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 6 9, 0 प्लस 5 5, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 7 14। ये देखो, चाहो तो डिवाइड कर लो, ये हो गया 3 3 5 by 2, 3 1 9 by 2, 5 by 2 9 by 2, 7। चेक कर लो, देखो है आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि पहली रो और पहला कॉलम सेम आ रहा है। फर्स्ट रो में 3 3 5 by 2 है, फर्स्ट कॉलम में भी 3 3 5 by 2, सेकंड रो में 3 1 9 by 2 है, सेकंड कॉलम में भी 3 1 9 by 2 है, थर्ड रो में 5 by 2 9 by 2 7 है, थर्ड कॉलम में 5 by 2 9 by 2 7, रो कॉलम सेम आ गए तो हम बैठो सिमेट्रिक। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक आ गया। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या बताया था इसका फॉर्मूला कल, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर दोगे और हाफ लगा दो। तो ये देखो आप कर रहे हैं, आप जरा माइनस भाई, ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे ऊपर लगा रखा हुआ है ना, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ गया, 2 ए ए ये है, ए ट्रांसपोज ये है, 2 वाले में से क्या माइनस करोगे, 4 वाला, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया, 5 वाले एलिमेंट में से 0 वाला माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 5 आ गया, 4 जो यहां पर है इसकी पोजीशन, इसमें से क्या माइनस करोगे, ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 माइनस 2 2 आ गया, 0 में से 5 माइनस किया -5 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में से सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला माइनस करोगे 1 माइनस 1, इट बिकम 0। 3 माइनस 6, विच इज 3 माइनस 6 माइनस 3, एंड 6 माइनस 3, ये जो एलिमेंट है आपका तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, ये भी तीसरी रो दूसरे कॉलम में है, 6 माइनस 3 3 आ गया, 7 माइनस 7 अगेन 0 आ गया। चाहो तो तुमसे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, नहीं तो है क्या हुआ भाई, 0 को 2 से करा 0 माइनस 2 को करा 1, 5 को 5 by 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 0 माइनस 3 by 2, -5 by 2 3 by 2 0। देखिए भाई सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहली रो और पहले कॉलम में माइनस का डिफरेंस है 0 माइनस 1 5 by 2, यहां देखिए 0 प्लस 1 माइनस 5 by 2, पहली रो में और पहले कॉलम में सेम डिजिट है मगर माइनस में, ये 0 माइनस 1 है, ये 0 देखो 1 है, ये 5 by 2 है, ये -5 by 2 है, दूसरी रो 1 0 माइनस 3 by 2 है, दूसरा कॉलम -1 0 माइनस 3 by 2 है, इसकी समझ।
अब इन दोनों को ऐड करके हमें क्या शो करना है कि ए के बराबर है। तो पी और क्यू दोनों को हम ऐड करते हैं एक्सप्रेस एज ए सम। तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू को ऐड करेंगे, यानी कि पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू तो आ गई थी 3 3 5 by 2 और ये रही 3 1 by 3 1 9 by 2 और ये रही 5 by 2 9 by 2 7। पी और क्यू कितना आया, ये रहा लास्ट में 0 minus 1 5 by 2 1 0 minus 3 by 2 minus 5 by 2 3 by 2 और 0। पी और क्यू को हमें ऐड करके दिखाना है, तो जरा देखते हैं अभी क्या आता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक का सम 3 plus 0 3 minus 1 5 by 2 5 by 2 5 आ गया, 3 plus 1 4 1 plus 0 1 9 by 2 और -3 by 2 6 by 2 यानी कि 3। 5 by 2 में -5 by 2 है, 0 हो गया। 9 by 2 में 3 by 2 ऐड करो, 9 by 2 plus 3 by 2 12 by 2 यानी कि 6 आ गया। 7 में 0 ऐड करेंगे 7 आ गया। और इसको अगर हम देखें तो ये आपका फिर से किसके बराबर आ गया, मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया। यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम ए मैट्रिक्स खुद मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, जो मैट्रिक्स मेन व्यू। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम इसके इक्वल है मैट्रिक्स के ए के, जिससे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बना उसी के बराबर। तो ये हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कल भी करवाए थे क्वेश्चन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक पे सुपर बेस्ड। और अब हमारा नेक्स्ट आता है कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो बहुत ध्यान से समझने का है, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर। मान लिया हम आपसे कहें कि एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 minus 3 1 1 2 3 minus 4 1 2। कोफैक्टर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, या तो 2 by 2 का होगा या फिर 3 by 3 का होगा। कोफैक्टर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है 2 by 2 3 या फिर 3 by 3। अब जैसे इसका कोफैक्टर निकालना है, देखो कोफैक्टर तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि बिल्कुल आपने एक मैट्रिक्स बनानी पड़ी, और इसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो 9 जगह 9 एलिमेंट है, तो 9 जगह पे आपने ये मॉड के साइन लगा दिए। देखो 1 2 तीसरा मॉड का साइन ये हो गया, चौथा मॉड का साइन ये हो गया, पांचवा मॉड का साइन ये आ गया। ये डिटरमिनेंट कहलाते हैं,
छठा मोड का साइन ये आ गया, सातवां मोड का साइन ये आ गया, आठवां मोड का साइन ये आ गया, नवां मोड का साइन। एक मैट्रिक्स बना लो और उसके अंदर 9 डिटरमिनेंट बना दीजिए और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये साइन लगा दो। क्या बताया कोफैक्टर बनाने का तरीका मैंने? एक मैट्रिक्स बनाया बड़ा, 9 एलिमेंट है तो सब एलिमेंट के लिए अलग अलग डिटरमिनेंट बना दिए, मोड लगा दे, साइन लगाते जाओ, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब ये देखो ये कौन पहला वाला, ये पहली रो पहले कॉलम में है, ये आपका एलिमेंट कहाँ आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहली रो छोड़ दो, पहली रो छोड़ दीजिए एक ही, तो पहला कॉलम छोड़ दो, क्या बचा? 2 3 1 2, इसी ऑर्डर में 2 3 1 2 लिख दो। अब यहां देखो ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, भूल जाइए फर्स्ट रो को, दूसरे कॉलम को भूल जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाओ, 1 3 -4 2, 1 3 -4 2, अब यहां आ जाओ, ये आपका पहली रो में है, फर्स्ट रो में है ये, और कॉलम है तीसरा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या करेंगे? जिस जगह पे आ रहा है ये पहली रो में आ रहा है तो पहली रो छोड़ दो, तीसरे कॉलम में आ रहा है तीसरा कॉलम छोड़ दो, पहली रो छोड़ दीजिए, सेकंड थर्ड रो कॉलम छोड़ दीजिए, 1 2 -4 1, ये छोड़ दिया पहली रो, तीसरा कॉलम 1 2 -4, 1 2 -4 1, ऐसे लिखते जाओ। अब यहां जाओ, ये कौन सी रो में है भाई एलिमेंट? दूसरी रो में है, ये आपका दूसरी रो है और पहला कॉलम है, तो दूसरी तो रो छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो छोड़ दीजिए, पहला कॉलम छोड़ दीजिए, दूसरी रो छोड़िए, पहला कॉलम बचेगा कितना? -3 1 1 2, -3 1 1, ये एलिमेंट आपका सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो यू विल लीव सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड व्हाट विल यू गेट? -3 1 and 1 2, इट बिलोंग्स टू सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो लीव सेकंड रो लीव सेकंड कॉलम, सेकंड रो को छोड़िए सेकंड कॉलम को छोड़िए, 2 1 -4 2, 1 -4, सेकंड रो को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है ना जहां हम लिख रहे हैं ये कहां पे आ रहा है? दूसरी रो में आ रहा है, इसलिए दूसरी रो छोड़ दो, दूसरे कॉलम में आ रहा है ये, दूसरा कॉलम छोड़ दो, 2 1 -4 2, 2 1 -4 2, ऑर्डर वही रहना चाहिए। ये आपका दूसरे नंबर की रो में आ गया एलिमेंट और तीसरे नंबर का कॉलम में आ रहा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो यू विल लीव सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 -3 -4 1, समझ लीजिए ये जो है आपका दूसरे नंबर की रो में आ रहा है तो दूसरे नंबर की रो छोड़ दीजिए,
तीसरे नंबर के कॉलम में आ रहा है, तीसरे नंबर का कॉलम छोड़ दीजिए, बचा क्या? टू माइनस थ्री माइनस फोर वन, टू माइनस थ्री माइनस, नाउ ये आपका तीसरी रो में है, तीसरी रो में है और पहले कॉलम में है, यानी कि तीसरी रो छोड़ेंगे, पहला कॉलम छोड़ेंगे, बच गया माइनस थ्री वन टू थ्री, माइनस थ्री वन ये आपका कौन सी रो में है? तीसरे नंबर की रो में है, थर्ड रो, तो थर्ड रो छोड़नी है इसका मतलब, और कॉलम सेकंड है, इसका मतलब सेकंड कॉलम भी छोड़ोगे, तीसरी रो छोड़ोगे, दूसरा कॉलम छोड़ोगे, वन टू टू वन वन थ्री, टू वन वन थ्री, तो समझ लीजिए ये आपका तीसरे नंबर का रो है, तो तीसरे नंबर की रो आपने छोड़ दी, ये आपका कहाँ आ रहा है? दूसरे नंबर का कॉलम में, दूसरे नंबर का कॉलम, तीसरी रो छोड़ो, दूसरा कॉलम छोड़ो, टू बच गया, वन बच गया, वन बच गया, थ्री बच गया, देखो टू वन वन थ्री कर लिया। अब आ जाओ लास्ट, इसे कौन सी रो में है ये एलिमेंट किसमें आएगा? तीसरी रो में, तीसरी रो में आ जाएगा, पर तीसरा कॉलम, इसका मतलब यहाँ पे तीसरी रो छोड़ दो, तीसरे कॉलम को छोड़ दो, तीसरी रो तीसरा कॉलम, टू माइनस थ्री वन टू, बस आ गया परफेक्ट। कैसे आ गया भाई? देखो ये आपको पता है मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये जैसे आपने 11th में करा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, टू की टू से करेंगे मल्टीप्लाई, फोर माइनस इस वन की थ्री से करेंगे, वन इंटू थ्री, बाहर जो साइन लगा है माइनस का वो ऐसे उतार लो, ब्रैकेट में वन की करेंगे टू से, वन इंटू टू टू, माइनस इसकी इससे करेंगे माइनस फोर की थ्री से, माइनस ट्वेल्व, अब ऐसे यहां पर ये तो प्लस का है, वन की करेंगे वन से, वन इंटू वन वन, माइनस और फोर, माइनस फोर की टू से करेंगे माइनस एट, ऐसे ध्यान से करते हैं। अब माइनस थ्री की टू से करेंगे, माइनस वन की वन से करेंगे, वन मिल जा वन, ऐसे ही ये तो प्लस का साइन है, उतारो है ना उतारो एक बात है, टू की टू से करेंगे, टू टू जा फोर, माइनस माइनस फोर की वन से करेंगे, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे, ऐसे ही टू की वन से करेंगे, टू वन जा टू, माइनस बाहर है ध्यान रखना, टू वन जा टू टू, माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस फोर माइनस थ्री प्लस के ट्वेल्व, माइनस थ्री की थ्री से करेंगे माइनस नाइन, आर प्लस का साइन है उतारो या ना उतारो एक ही बात है, टू की वन से करेंगे माइनस के टू, बीच में माइनस का साइन आता है, ये माइनस आ गया देखो फिर से, ये माइनस उतारेंगे बाहर, टू की थ्री से करेंगे टू थ्री जा सिक्स, माइनस वन की वन से करेंगे वन, टू टू जा फोर, माइनस वन की माइनस थ्री से करेंगे माइनस थ्री,
बताइए। बस कोफैक्टर आ गया, अब तो कोफैक्टर आ गया, सिंपलीफाई करके लिखिएगा, ये आ गया 1, ये आ गया देखो प्लस के 12 14, और बाहर माइनस है, माइनस का 14, यहाँ देखो 1 माइनस माइनस प्लस 8 9, -6 -1 -7, और माइनस बाहर है प्लस का 7, 4 प्लस 4 8, 2 में से -12 गया तो -10, और 8 बाहर माइनस है तो प्लस का 10, -9 -2 -11, 6 में से बन गया 5, बाहर माइनस है तो माइनस का 5, 4 प्लस 3 7, दिस इज द कोफैक्टर। इस तरीके से हम बच्चों कोफैक्टर निकालते हैं, दिस इज हाउ टू गेट कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर को अगर हम ट्रांसपोज कर दें, अगर इस कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज कर दें तो हमारा एडजॉइंट आ जाता है। कोफैक्टर के ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट कहते हैं। कहने का मतलब यह है अगर हम कहें एडजॉइंट ए, तो क्या होता है कोफैक्टर जो ए है उसका ट्रांसपोज। और कोफैक्टर क्या आया था हमारा 1 7 -11 -14 8 -5 9 10 7, इसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज तो आपको आता ही है, पहली रो को पहला कॉलम बना लो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लो, बस आ गया ज्वाइंट। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये मैंने बताया कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालने का तरीका, कि आप कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, इसका मेथड। एक क्वेश्चन और देते हैं इसके ऊपर। देखिए जैसे मान लिया आपके पास कोई मैट्रिक्स है, देखिए भाई अब हमने जैसे क्वेश्चन ले लिया, ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, को फैक्टर निकालना है। तो बिल्कुल पहले की तरह को फैक्टर ए क्या करेंगे, आप एक बड़ा मैट्रिक्स बना लेंगे,
और क्योंकि नाइन एलिमेंट है तो नाइन डिटर्मिनेंट बना लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ डिटर्मिनेंट, फिफ्थ डिटर्मिनेंट, सिक्स डिटर्मिनेंट, सेवन, थोड़ा आप और कॉपी में बनाओगे तो स्पेस और दे देना बीच में दोनों के, जैसे दिया ना एक पहला डिटरमिनेंट और दूसरे के बीच में थोड़ा स्पेस दूंगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। अब क्या करते हैं, अल्टरनेट साइन लगाते हैं, ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब ये पहली रो में है, पहले कॉलम में है, पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दीजिए, बच गया टू माइनस वन माइनस फाइव जीरो, उतार लो टू माइनस वन पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, टू माइनस वन माइनस फाइव जीरो। अब ये देखो, ये आपका पहली रो में है, दूसरे कॉलम में है ये, तो पहली रो छोड़ दीजिए, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, जीरो माइनस वन थ्री जीरो, जीरो माइनस वन थ्री जीरो, ठीक है। अब ये देखो, पहली रो में है, तीसरे कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट तो रो छोड़नी पड़ेगी, तीसरे कॉलम में है तो तीसरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा। You have to leave first row and third column. What is remaining? 0, 2, 3, minus 5. Again, it is in second row. Second row में है ये element और पहले number के column में है, तो second row छोड़ दीजिए, पहले number का column छोड़ दीजिए, दूसरे number की row छोड़ दीजिए, माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव जीरो, माइनस वन माइनस टू, है ना, सेकंड रो छोड़िए, सेकंड कॉलम छोड़िए, माइनस तो सेकंड रो छोड़िए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, पहला कॉलम है ना ये, माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव जीरो, ये दूसरे नंबर की रो में है, दूसरे नंबर के कॉलम में है, दूसरे नंबर की रो छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर का कॉलम छोड़ दीजिए, इट बिलोंग्स टू सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सो यू हैव टू लीव सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, व्हाट इज लीव इन लेफ्ट, टू माइनस टू थ्री जीरो, टू माइनस टू थ्री जीरो, दिस इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो छोड़ दीजिए, तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, टू माइनस वन थ्री माइनस फाइव, ये आप देखो कौन सी रो में है, दिस बिलोंग्स टू सेकेंड रो, इसका मतलब इसकी सेकेंड रो छोड़नी पड़ेगी, दिस बिलोंग्स टू थर्ड कॉलम, यू हैव टू लीव इट्स थर्ड कॉलम, ये रो छोड़ी दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर का कॉलम बचा क्या, टू माइनस वन थ्री माइनस फाइव। अब यहां आ जाओ, अब इस कौन से नंबर की रो में है ये, आप करने से तीसरे नंबर की रो में, तो तीसरी को छोड़ दो, और पहले कॉलम में है तो पहला कॉलम छोड़ दो, तीसरी रो छोड़ दीजिए, पहले नंबर का कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस वन माइनस टू टू माइनस वन, मारो दिया माइनस वन माइनस टू और टू माइनस वन, अब ये देखो ये आ रहा है कौन से नंबर की रो में, तीसरे नंबर की रो में, तीसरा रो छोड़ दो,
दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम तीसरी रो, दूसरा कॉलम टू माइनस टू जीरो वन, टू माइनस टू जीरो माइनस वन, अगेन ये थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो इसका मतलब इसका थर्ड रो छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, टू माइनस वन जीरो टू, टू माइनस वन जीरो टू। अब आपका कोफैक्टर ए आ गया, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टू की जीरो से होगी जीरो, इसकी इससे होगी माइनस फाइव की माइनस वन से होगी, बीच में माइनस आएगा, फाइव आ जाए, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे होगी, बीच में माइनस प्लस के थ्री आ गई, ऐसी इसकी जीरो की माइनस फाइव से होगी माइनस थ्री की टू से होगी सिक्स, बताइए ऐसी यहां पे माइनस इसकी जीरो से होगी जीरो और इसकी माइनस टेन, इसकी हो जाएगी जीरो और थ्री टू या सिक्स माइनस के तो प्लस के सिक्स हो जाएंगे, इसकी हो जाएगी टू फाइव या टेन माइनस के टेन और ये माइनस माइनस प्लस के थ्री, कंसंट्रेशन का काम है इसमें थोड़ा सा, ये हो गया इसकी इससे हो जाएगी माइनस वन वन प्लस फोर और ये हो जाएगा माइनस टू माइनस जीरो और ये हो जाएगा फोर माइनस जीरो, बताइए तो बस अब आप भी कैसे सॉल्व करके मैट्रिक्स आ गई, कोफैक्टर क्या आ गया माइनस फाइव, यह आ गया माइनस थ्री, यह आ गया माइनस सिक्स, यह आ गया माइनस माइनस टेन, यह आ गया सिक्स, यह आ गया माइनस सेवन, माइनस सेवन हो गया और ये फाइव, और इस पर ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो फैक्टर का तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा।